गुलाब, गुलाब परी, कौन? हम शहजादी? आप शहजादी नहीं, हम तो तुम्हारी प्यारी सहेली है गुलाब। ये रिश्ता तो उस वक्त तक था शहजादी, जब तक कि हम उस कैद खाने से आजाद थे। अब तो हमारा तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्ता रह गया है, एक कैदी और एक शहजादी का। ऐसा मत कहो, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है। आपकी हमदर्दी मुझे मेरे महबूब से तो नहीं मिला सकती। आखिर उस आदम जात में ऐसा क्या है जो तुम अपने आप को इस कदर दुख दे रही हो? ये तुम क्या जानो शहजादी, किस दर्द में क्या मजा है। किसी के लिए अपने आप को तड़पाने में जो मजा है ना, वो इस परिस्थान के ऐशो आराम में भी नहीं। जानती हो, जब वो मेरी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है तो ऐसा लगता है मानो दिल का एक एक तार झंझना उठा हो। जब वो मेरे हाथों को अपने हाथों में थामता है तो ऐसा लगता है मानो जहान भर की दौलत मेरी मुट्ठी में समा गई हो। जब वो अपनी मजबूत बाहों में मुझे भर लेता है तो कैफ़ो सुरूर की महक मेरे रोम रोम में दौड़ जाती है। क्या हातिम भी एक ऐसा इंसान है? हातिम? कौन हातिम? नीलम परी बताती थी, वो भी एक बहुत अच्छा इंसान है। उसकी तारीफ सुन सुन कर तो हमारे दिल में उसे देखने की तमन्ना जाग उठी है। ओह, तो आखिर आपके दिल में भी किसी इंसान को देखने की आरजू पैदा हो ही गई। बहादुरी और सखावत में उसकी कोई मिसाल नहीं। और मोहब्बत में? मोहब्बत में? क्या वो भी किसी से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना मेरा महबूब मुझसे? ये हमें नहीं मालूम, मगर नीलम परी बताती थी कि उसे इश्क और मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है तो पैदा हो जाएगी जिस दिन वो तुम जैसे खूबसूरत परी से मिलेगा। शायद तुम ही से मिल जाए। हमसे? मगर ये कैसे हो सकता है, वो वहाँ नीचे दुनिया में और हम यहाँ परिस्तान में। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें इस दुनिया में जाने का रास्ता बता सकती हूँ। नहीं नहीं, हम दुनिया में जाने की खता नहीं करेंगे। तुम्हारा अंजाम तो हमारे सामने है। अगर मलका आलिया को पता चला तो वो हमें भी पिंजरे में कैद कर लेंगी। जो सजा से डर गया वो किसी से क्या मोहब्बत करेगा। जाओ शहजादी जाओ, ये इश्क और मोहब्बत तुम जैसे बुजदिल परियों के बस की बात नहीं। तुम तो नाराज हो गई। मैं नाराज ना हूं तो और क्या करूं? एक और तुम्हारे दिल में उस इंसान को देखने की तमन्ना है, दूसरी और मलिका आलिया का खौफ। अब तुम ही बताओ, एक दिल में दो जज्बात कैसे रह सकते हैं? या तो तुम अपने दिल से उस खौफ को निकाल दो या उस इंसान का ख्याल। अच्छा, अगर हम दुनिया में चले भी गए तो हम उसे तलाश कैसे करेंगे? वो जगह तो हमारे लिए बिल्कुल नई होगी। दिल को दिल से राह होती है शहजादी। अगर जज्बात में सच्चाई हो तो महबूब खुद ब खुद खींचा चलाता है। तो फिर तुम्हारा महबूब तुमसे मिलने परिस्तान क्यों नहीं आया? इसलिए शहजादी, क्योंकि इस परिस्तान में इंसान तो क्या, उसकी परछाई भी दाखिल नहीं हो सकती। नीलम के चले जाने के बाद तुम इस बदबख्त परी से आदमजात का जिक्र सुनी चली आई? जी जी नहीं, हम तो बस यूं ही यहां से गुजर रहे थे। हमने सोचा इसे भी मिलते चले। हमसे झूठ मत बोलो, ये कैद खाना है, कोई सैरगाह नहीं जहां तुम चहलकदमी करने चली आई। याद रखो, आइंदा तुम तो क्या, तुम्हारा ख्याल भी यहां से गुजरने ना पाए। जो हुक्म। और तू गुलाब परी, आज के बाद अगर फिर कभी तूने हमारी चांद को अपने मनहूस आशिक या किसी और इंसान का किस्सा सुनाने की हिम्मत की तो हम तुझे इससे भी खौफनाक सजा दे देंगे। अपने महबूब की जुदाई से बढ़कर
मेरे लिए और क्या सजा हो सकती है मलिका आलिया? लगता है कैद खाने के इन अंधेरों में अभी तक तेरे दिल में मोहब्बत की रोशनी बाकी है। दिल में जब मोहब्बत की रोशनी जगमगा उठती है तो उसे इस कैद खाने के अंधेरे तो क्या कायनात की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती। आप भी नहीं मलिका आलिया, आप भी नहीं। हम इस परिस्तान की मलिका हैं, यहाँ हमारी हुकूमत है। हम चाहे तो अभी और इसी वक्त तुझे जलाकर खाक कर सकते हैं। तो ये खाक उड़कर अपने महबूब के दामन से जा लिपटेगी। हम तुझे पानी का कतरा बना देंगे। तो ये कतरा प्यार बनकर अपने महबूब पर बरस उठेगा। हम तुझे हमेशा हमेशा के लिए बर्फ बना सकते हैं। तो ये बर्फ इश्क की आग में जलने वाले अपने इस आशिक के दिल में ठंडक बन के उतर जाएगी। तो फिर हम तुझे आग बना देंगे, आग। अगर वो आग अपने आशिक के पास जाएगी भी तो उसे जलाकर खाक कर देगी। अगर इस परिस्तान में जरा बराबर भी आग लगी तो उसमें मैं तो क्या, सारा परिस्तान जल के खाक हो जाएगा। बादशाह ताई और मलिका को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। खुद हातिम की शोहरत चारों तरफ फैली हुई थी, इसलिए न जाने कहां कहां से शहजादियों के पैगाम आने लगे। मगर हातिम हमेशा अपनी शादी की बात टाल देता। एक दिन बगदाद की मलिका, गुलनार की सफीर भी अपनी मलिका की शादी का पैगाम लेकर आई। बादशाह ताई ने बहुत दिन उन्हें अपने मेहमान बनाए रखा मगर उनके पैगाम का जवाब नहीं दिया, इसलिए एक दिन थककर वो उनके दरबार में जा पहुंची। मलिका आलिया, बगदाद की सफीर आपकी खदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहती है। भेज दीजिए। मलिका यमन का इकबाल बुलंद हो, 3 दिन हो गए आपके मेहमान नवाजी में, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। आपकी खातिर में कोई कसर तो नहीं रह गई? नहीं नहीं मलिका आलिया, मगर जिस मकसद से आई थी वो अभी तक अधूरा ही है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या जवाब दें। शहजादा यमन शादी के लिए राजी नहीं हुए। मगर मलिका आलिया, शहजादे के लिए बगदाद की शहजादी गुलनार बानो से अच्छी शरीके हयात और कोई हो ही नहीं सकती। खुदा ने उनको जैसी सूरत दी है वैसी ही सीरत भी दी है। आज तक किसी गैर मर्द की नजर उनके चेहरे पर तो क्या, उनके नाखून पर भी नहीं गई है। ये सब तो ठीक है बहन, लेकिन हम शहजादे को कैसे समझाएं? मलिका आलिया, रोजाना अरब के न जाने कितने ही शहजादों के पैगाम आते रहते हैं, मगर हमारी शहजादी को किसी में दिलचस्पी ही नहीं है। वो तो बस शहजादे यमन की सखावत और जवां मर्दी के किस्से सुन सुनकर उनसे रिश्ते की तमन्नाई है। हमें आपकी शहजादी के एहसासात का ख्याल है, मगर हातिम आपकी शहजादी से ही नहीं किसी भी लड़की से शादी करना नहीं चाहते। लेकिन और हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। ओह, जैसी मलिका यमन की मर्जी। जाते जाते एक गुजारिश है, एक बार अपने शहजादे हातिम को जरूर बगदाद भेजिए। मुझे यकीन है हमारी शहजादी को देखने के बाद वो अपना इरादा जरूर बदल देंगे। जरूर, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे हातिम की दुल्हन शहजादी बगदाद की तरह खूबसूरत और नेक हो। और हाँ, शहजादी बगदाद को हमारा पैगाम जरूर दीजिएगा कि एक न एक दिन हम अपने शहजादे को बगदाद भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया मलिका आलिया, शुक्रिया।
कनीजो, मेरी सनोवर को जो भी पकड़ कर लाएगा उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। छेड़ते रहती है ये कनीजे मुझे हमेशा कुछ ना कुछ। अल्लाह अल्लाह, मलिका आलिया की खिदमत में आदाब। मलिका आलिया की सारी भलाई मुझ पे आ जाए, अल्लाह करे। मलिका आलिया, यमन जाने वाली सफीर वापस आ गई है, आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहती है। भेज दो। जो हुकुम। आदाब। अल्लाह। ये लीजिए मलिका आलिया, आपका सनोवर। सुल्ताना जी। मलिका आलिया, इन कनीजों को 100 अशर्फियां बख्श दी जाए। जो हुक्म। मलिका बगदाद की खिदमत में आदाब कबूल हो। कहो राबिया, यमन का सफर कैसा रहा? जी, लगता है लंबे सफर ने तुम्हें काफी थका दिया है। जी वो इतनी जल्दी भी क्या थी, आज भर आराम करके हमसे कल महल में मिल लेती। बात कुछ ऐसी है मलिका आलिया कि मैं बेझिझक कहो राबिया, हम सुनने के लिए बेचैन हैं। कह क्यों नहीं देती? तुम खामोश क्यों हो राबिया? हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि शहजादे यमन ने हमारा पैगाम कबूल कर लिया। नाचीज के मुंह में खाक हो मलिका आलिया, शहजादे यमन ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या क्या बक रही हो राबिया? कहीं तुम अफ्यूम का नशा करके तो नहीं आई? मैं बिल्कुल होश में हूँ मलिका आलिया। तो फिर शायद तुम्हारी चर्ब जबानी को सांप सूंघ गया होगा, या तुम शहजादे हातिम के सामने हमारे हुस्न का पूरा नक्शा खींचने में नाकाम हो गई होगी। मैं अपनी चर्ब जबानी का उस वक्त इस्तेमाल करती जब शहजादे हातिम मुझसे मुलाकात करते, उन्होंने तो मुझसे मिलना ही मुनासिब नहीं समझा। साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारी शहजादी से मुझे शादी करना ही नहीं है। या खुदा, इतना गुरूर। देखिए, उसने हमारा पैगाम ठुकरा कर हमारे बेमिसाल हुस्न की तौहीन की है। शहजादा हातिम वो मर्द है जिसे हमने कभी देखा भी नहीं, और वो हमारे दिल के दरवाजे को तोड़ते हुए हमारी रगों में समा गया। हम उसे हासिल किए बगैर नहीं रह सकते। अगर उसे अपनी जवामर्दी पर गुरूर है तो हमें भी अपने हुस्न पे नाज है। आज नहीं तो कल हम उसे पाकर ही रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अरे लगता है कोई आ रहा है। लगता तो ऐसा ही है। वो आया। साबिर, तुम जाकर बेहोश हो जाओ, मैं उसे फंसा कर दाता। जल्दी जाओ। भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब, भाई साहब मेरी मदद कीजिए। भाई साहब क्या हो गया? मेरी मदद कीजिए, वहाँ मेरे भाई को सांप ने काट लिया है। सांप ने काट लिया? हाँ, सांप ने काट लिया, वो वहाँ बेहोश पड़ा है। भाई साहब आओ हमारे साथ, मेरी मदद कीजिए। आइए भाई। अरे लगता है मुर्गा फंसा लिया। अरे भाई आ रहा है, तू बेहोश हो जा। अरे मेरे भाई को क्या हो गया? अरे सांप ने काट लिया मेरे भाई को। अरे मेरे भाई को सांप ने काट लिया। कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा। सांप ने काट लिया मेरे भाई को। Yeah.
चलो। अफसोस मैंने वो नहीं किया जो आज मेरे काम आता। अल्लाह वाह क्या लजीज खाना बना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाइए शेख सुल्तान साहब आप भी खाना खाइए। हो रहा है खून मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। शेख सुल्तान बोलो नौजवान आखिर ये माजरा क्या है। आपके दोस्तों के आगे लजीज खाना और आपके सामने ये कीड़े मकोड़े। यही तो मेरी बदकिस्मती है नौजवान। क्या हम इस बदकिस्मती की वजह जान सकते हैं। क्या करोगे चांद के। हो सकता है हम आपके कोई काम आ सके। कोई मेरे काम नहीं आ सकता। मेरे काम कोई नहीं आ सकता नौजवान क्योंकि मैंने वो नहीं किया जो आज काम आता। आपने ऐसा क्या नहीं किया शेख सुल्तान जो आज आपके काम आता। वही जो इन लोगों ने किया और आज मरने के बाद इनके काम आ रहा है। पहेलियां मत बुझाइए शेख सुल्तान हमें अपनी रुदात बताइए। हो सकता है कि आपकी हालात जिंदगी हमारे और दूसरों के लिए इबरत हो। ठीक कहते हो नौजवान मेरी जिंदगी और उसका अंजाम दूसरों के लिए इबरत का मकाम है। बैठ जाओ आओ मेरी रुदात सुनो। मैं शहर ताउस का एक बहुत ही अमीर सौदागर था। मेरे पास दौलत जायदाद की कोई कमी नहीं थी लेकिन इतना कंजूस और इतना फकीर था मैं कि लोग मेरे बारे में कहते थे कि चमड़ी जाए तमड़ी ना जाए। हाँ शेख सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम। मशहूर होना भी कभी कभी वबाले जान बन जाता है। लोग कोसों दूर से सलाम करते आते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई फरमाइए। अरे इस कड़ी धूप में इस रेगिस्तान में आप नंगे पैर चले जा रहे हैं। हाँ तो चला जा रहा हूँ आप क्यों तकलीफ में मुब्तला हो गए। अच्छा अच्छा आपकी चप्पलें टूट गई। जी नहीं बिल्कुल नहीं टूटी है। नया चप्पलें इस्तेमाल करने से घिसती हैं और पांव नहीं घिसते और एक चप्पल पर चार अशर्फियां खर्च होती है समझे आप। अरे तो क्या हुआ आप मेरी चप्पलें पहनी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि आपकी चप्पल पहनूं। आपके एहसान से दबा रहूं फिर आप मुझसे ताल्लुकात बढ़ाएंगे मेरे घर आना जाना शुरू करेंगे और इस मेहमान नवाजी के जज्बे में मुझे कम से कम एक वक्त तो खाना आपको खिलाना पड़ेगा और इस गम में मैं सारी रात तड़पता रहूंगा।
खाने पर पैसे खर्च होते हैं भाई। अरे लोग आपके बारे में बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। हाँ, कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बेवकूफ है वो लोग। दूरंदेशी को ऐसी हिमाकत आमेज लफ्जों से याद करते हैं, समझे आप। अब जब कोई शरीफ आदमी जा रहा हो यूं करता हुआ तो बीच में ही टपक, समझे आप। अच्छा तो भाभी जान अब इजाजत दीजिए। भाई साहब थोड़ी देर और बैठिए ना, बस आते ही होंगे। अभी और कई घरों में शादी की दावत देने जाना है, तो याद रहेगा ना अगले जुम्मे को दावत है, आप लोग जरूर तशरीफ लाइए। ये भी कोई कहने की बात है भाई साहब, हम लोग जरूर आएंगे। अरे बेगम साहब कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? अरे लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम शेख भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई अगले जुम्मा को मेरे बेटे की शादी है। अच्छा? दावत देने आया था, आप लोग जरूर तशरीफ लाइए। अरे बिल्कुल आएंगे, यकीनन आएंगे, जरूर आएंगे और पेट भर के खाना खाएंगे। अच्छा तो मैं चलता। हाँ बिल्कुल भाई साहब, खाने का वक्त हो रहा है, कुछ खाकर जाइए। भाभी जान मैंने कहा ना कि मुझे अभी कई और घरों में जाकर शादी की दावत देनी है। जहाँ बिल्कुल। भाई अगर जल्दी ना हो तो दो ही ने वाले खा लीजिए। आप जिद करते हैं तो मैं रुक जाता हूँ। तुम बात इनकार भी नहीं करता। जी आपने कुछ फरमाया? जी मैं ये कह रहा था कि खाने के लिए इनकार करना अच्छा नहीं होता। जी वही तो। भाई साहब अब बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बैठिए, अपना ही घर समझ के बैठिए। जी हाँ मैं तो अपना ही घर समझ के बैठा हूँ। मैं अभी आया। आइए आइए आराम से आइए, अब बैठ गया हूँ तो खाना खा के ही जाऊंगा। अरे बेगम आपकी अक्ल को क्या हो गया था, उसे खाने पर क्यों रोका? हाय अल्लाह क्या गजब हो गया। सूरत से ऐसा लगता है जैसे सात पुश्तों से उसके घर में किसी ने खाना न खाया हो। अगर वो हमारा सारा खाना खा गया तो मेरी आने वाली नस्लें भूखी रह जाएंगी। खा जाएगा तो क्या हुआ, मेहमान है, मेहमान के खाने से कुछ कम नहीं होता। मैं मेहमान नवाजी पर आपसे तकरीर सुनने नहीं आया हूँ, अर्ज ये है तरकीब अमल सुनिए। दो रोटियां दोनों कश्तरियों में ले आइए और जब रोटियां खत्म होने लगे तो फकत सिर्फ एक रोटी और लाइएगा और मेरी प्लेट की तरफ बढ़ाइएगा, बाकी मैं सब संभाल लूं। आप मेरी जान है, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए। आह ऐसे कंजूस शौहर की बीवी होने से तो अच्छा था मैं जिंदगी भर कमारी रह जाती। मकसूद भाई मकसूद, घर से खा पी के नहीं निकले थे क्या? खा पी के तो निकला था मगर। हाँ मगर मेरा खाना जरूर खाओगे। जी क्या खुशबू है, ऐसा लगता है कि आज बेगम साहबा ने रोटी में कुछ ज्यादा ही घी मिला दिया है। जी यही है पूरा खाना। बिस्मिल्लाह। आप गोश्त नहीं खाते? जी नहीं, गोश्त से गुर्दा खराब होता है। मुझे नहीं मालूम था। रोटी लीजिए। अरे ये क्या, मैं कोई जानवर हूं कि रोटी पर रोटी, रोटी पर रोटी, रोटी पर रोटी खाता जाऊं? इनको दीजिए। और ये भी इंसान है, कोई वहशी नहीं है, कोई जानवर नहीं है कि और रोटी खाए। हाँ भाभी मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल।
सही बनवा रहा हूँ। भाभी जान पेट भर के आनंद तो पड़ी नहीं थी ना। लुत्फ आ गया, बहुत दिनों के बाद लजीज खाना भर पेट खाया। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। आ गए कमबख्त मुफ्त खोरे, रहे नाम अल्लाह का। भाई गलत दरवाजे पे सदा लगा रहे हो, यहां से एक तिनका भी नहीं मिलेगा। जानता हूं, मैं भी बड़ा जिद्दी हूं, आज कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊंगा। लेकर ही जाऊंगा, ले जा भाई ले जा। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अरे अगर मैं इन सबों को देने लगा तो मेरा भी यही हाल हो जाएगा। रहे नाम अल्लाह का, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। भूख से बुरा हाल है, फकीर का सवाल है, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। भाई जो दे उसका। अरे शेख सुल्तान साहब, आप और भीख मांग रहे हैं? हाँ भाई, अगर इसी तरह तुम भीख देते रहे तो तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा जो मेरा हुआ। बेगम, ये क्या फकीर को देने जा रही हो क्या? हाँ, बेचारा रोज सदा लगाता है और खाली हाथ चला जाता है, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। अब सदा नहीं लगाएगा, लाओ मुझे दो। आपको? हाँ मुझे, मैं दे दूंगा। अरे मैं खैरात नहीं दे सकता क्या? खैरात? हाँ। आप और खैरात? कमाल की औरत है, हंसे चली जा रही है। अरे हंसी भी मुफ्त में खर्च कर रही है। अरे भाई मुफ्त खोरे, अंदर तशरीफ लाइए। अरे मुफ्त खोरे अंदर आ जाओ भाई, मैं इंतजार कर रहा हूं, अंदर आओ। सलाम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, तुम पहली आवाज पर नहीं आ सकते थे क्या? आपने तो किसी मुफ्तखोरे का आवाज लगाई थी। तो क्या तुम मुफ्तखोरे नहीं हो? कैसी बात करते हैं शेख साहब, मेहनत की खाता हूँ, 10 दरवाजों पर आवाज लगाता हूँ, एक दरवाजे पर मिलता है मुझे। अच्छा, तो आज कितने दरवाजों पर आवाज लगा के आ रहे हो? यही कोई 8 दरवाजों पर। शुक्र है कि ये नवा दरवाजा है। जी जी। कुछ नहीं भाई, एक बात बतलाओ कि तुम खाना रोज खाते हो? अरे खुदा ने जब पेट दिया है तो खाना ही पड़ता है। अरे खुदा ने पेट तो इस कमबख्त को भी दिया है। तो क्या आप रोज खाना नहीं खाते? कहां से खाऊंगा भाई, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम भी तो मेरी ही बिरादरी। क्या हुआ भाई? जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये हवेली देख रहे हो, कितनी लंबी चौड़ी, मगर कितनी बदनसीब। ईद के दिन हम और तुम तो नए कपड़े बदल लेते हैं, मगर ये बदनसीब हवेली जब से बनी है अपने रंग और रौन को तरस रही है। अब तो इन दीवारों पर जमी हुई धूल और मिट्टी ही इस बदनसीब हवेली के रंग और रोगन है भाई। मगर आप तो शेख सुल्तान है, शहर के नामी गिरामी सौदागर है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं भाई, मगर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुमने सोचा होगा कि शेख सुल्तान के घर दूध की नहरें बहती होंगी, छुहारे और मेवे बढ़ते होंगे, मगर हकीकत तो यह है भाई कि हम एक वक्त खाना खाते हैं तो 4 वक्त फाके करते हैं।
मगर ये खजूरे 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 कहाँ हैं? ओ, ये क्या बतलाऊं भाई, खुदा जाने कैसे पड़ोसी को हमारा ख्याल आ गया और ये छुहारे दे गया। हमने सोचा था कि इनसे अपना फाका तोड़ेंगे, मगर तुम आ गए और तुम्हारा सवाल तो पूरा करना ही पड़ेगा। ले जाओ भाई, जहां चार वक्त का फाका सही, पांचवा भी सही। नहीं नहीं शेख साहब, ये फकीर इतना बेमुरवत नहीं कि आपका हक मार कर मैं अपने पेट भरूं। नहीं भाई, तुम्हें इसे लेना ही पड़ेगा, वरना मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा कि एक सवाली को खाली हाथ वापस कर दिया। मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम उसे ले लो, चाहे इसके बदले में मुझे कुछ दे जाओ। मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास है ही क्या? कुछ तो होगा मेरे दोस्त। खुदा झूठ ना बुलाए, मेरे पास तो बस 5 अशरफियां है जो मुझे भीख में मिली है। वही दे दो मेरे दोस्त, जल्दी करो और ये खजूरें ले जाओ। अगर मैं आपको अशरफियां दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? खुदा की रहमत से मायूस ना हो मेरे दोस्त, अभी 10वां दरवाजा बाकी है। जल्दी करो, जल्दी करो, देर मत करो मेरे दोस्त। तुम्हारे जैसे पहुंचे हुए फकीर की दिव्य चीज में बड़ी बरकत होती है मेरे दोस्त, जल्दी करो। मैं खजूर ले लूं? जरूर जरूर। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम 4 दिन से फागा करने वाले लोगों के मुंह से निवाना छीन करके ले जाओ? मगर ये तो आप ही ने तो दिया है। मैंने दिया था, वो मेरा बड़कपन था। इन्हें वापस कर दोगे वो तुम्हारा बड़कपन होगा। मेरे अशरफियां मुझे लौटा दीजिए। अरे ये अशरफियां तो मैंने तबर्रुक समझ करके रख ली थी, तबर्रुक वापस नहीं किया जाता, बरकत चली जाती है, समझे? समझा समझा। खुदा की कसम, इस हवेली तो क्या, इस मोहल्ले के आसपास तक नहीं आऊंगा। अरे नमाज पर खुशबान आया था, रोजे गले पड़ गए, रोजे गले, रोजे गले। अरे अब अगर वापस आए तो रोजे के साथ साथ हद भी गले पड़ जाएगा भाई। आपने 500 अशरफियां? जी हाँ शेख सुल्तान, आपके बेटों ने दंगा फसाद किया, तोड़फोड़ की, इन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया। आपको 500 अशरफियां जमा करानी पड़ेगी, वरना मैं आपके बेटों को हवालात में बंद कर दूं। बंद कर दीजिए कोतवाल साहब, बंद कर दीजिए इन्हें। लेकिन अल्लाह अशरफियों का जिक्र मत कीजिए, मुझे मुझे कुछ होने लगता है कोतवाल साहब। आप कैसे बाप हैं, अपने बेटों का हवालात में बंद करवा सकते हैं, अशरफियां जमा नहीं करवा सकते? 500 अशरफियों की बात नहीं कोतवाल साहब, बात एक बदनसीब बाप के इज्जत की है। कोतवाल साहब, लोग तो ये समझते हैं कि मैं शहर का सबसे अमीर सौदागर हूं और मेरी हवेली चांदी सोने हीरे जवाहरात और अशरफियों से भरी पड़ी है, लेकिन हकीकत तो यह है कोतवाल साहब कि मेरे पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं है, वरना मैं जहर खा करके इस दुनिया से गुजर जाता। ये आप क्या कह रहे हैं, आप और कंगाल? कंगाल ही नहीं, बेहाल भी हूं कोतवाल साहब। सोचा था कि तिजारत में 1 के 100 बनाऊंगा, लेकिन इतना नुकसान हुआ, इतना खसारा हुआ कि मेरे जिस्म का 1-1 रुआ कर्ज में डूबा हुआ है और दाने दाने का मोहताज हो गया हूं। पर यह हवेली, ये तो किसी वक्त भी बेची जाएगी ताकि मैं कर्ज अदा कर सकूं। कोतवाल साहब ले जाइए, ले जाइए मेरे बच्चों को, कम से कम इनको वहां 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, मेरी तरफ फाके तो नहीं करने पड़ेंगे। और दोस्तों, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपके कर्ज की 1-1 पाई अदा कर देता, मगर मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं। जिस्म पर ये लिबास है जो मेरी इज्जत है, अगर अगर आप कहें तो इसे भी आपके कदमों में डाल दूं। नहीं, नहीं। अरे आप क्या कर रहे हैं? वही जो नालायक बेटों के बाप को करना चाहिए। दंगा फसाद करने से पहले ये तो सोचा होता कि तुम्हारी माँ लाइलाज बिस्तरे मर्ग पर तड़प रही है, उसके इलाज के लिए 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। एक कब तो
जाओ कुछ भी तो करो, और कुछ नहीं कर सकते तो भीख मांगो, अपनी मां को बचा लो। अगर तुम्हारी मां को कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, मेरा क्या होगा? बेगम, 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 बेगम। क्या है जी? कौन है? अरे तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे 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 यहाँ कहाँ से टपक पड़ी? क्यों? अरे बेगम साहब आप अंदर जाइए, हकीम साहब ने आपको चलने फिरने से मना किया है। मना किया है? जी हकीम साहब। जी कौन से हकीम साहब ने? अरे क्या गजब करती है, हकीम लुकमान ने। हकीम लुकमान? हकीम लुकमान ने कहा था कि मरज नंबर एक ये है कि ये भूल जाती है। आप अंदर चलिए। क्यों? आप बीमार हैं? मैं बीमार हूँ? हाँ? आप पागल तो नहीं हो? हकीम लुकमान ने कहा था कि मरज नंबर दो ये है कि ये दुनिया वालों को पागल समझती हैं। हाँ बेगम साहबा, मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मगर मैं आपका आशिक हूँ। आप अंदर चलिए। अरे बच्चों, 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 देखा आप लोगों ने, हकीम लुकमान ने कहा था कि ये बीमार है, चल फिर नहीं सकती, लेकिन बच्चों की मोहब्बत में कच्चे धागे में बंधी हुई चली आई। या अल्लाह, तू हर शौहर को ऐसी बीवी देना और हर औलाद को ऐसी माँ देना। वाह रे किस्मत कि मैं ऐसी अजीम औरत को पल पल तिल तिल मरता हुआ देख रहा हूं और कुछ नहीं कर सकता। बेगम, काश मैं तुम्हें बचा सकता, काश मेरे पास 250 अशरफियां होती। सब्र कीजिए, सब्र कीजिए सुल्तान, खुदा जो करेगा अच्छा ही करेगा। कोतवाल साहब, क्या खाक सब्र करूं, क्या खुदा मेरी झोली में टप से 250 अशरफियां डाल सकता है? बेगम, सोने का निवाला खिलाने वाला तुम्हारा यह बदनसीब शोहर आज तुम्हारे हलक में दवा की एक खुराक भी नहीं डाल सकता। बेगम, इस जिंदगी से कोई फायदा नहीं, मैं मरने जा रहा हूं, जन्नत में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेगम, मैं जा रहा हूं। बेगम, मैं जा रहा हूं। भाइयों, दोस्तों, आखिरी बार मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। कितने हसीन चेहरे हैं आप लोगों के, लेकिन ये दुनिया कितनी खौफनाक लग रही है। खुदा हाफिज। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, मुझे न रोको, दूर बहुत दूर आसमानों से मौत आवाज दे रही है मुझे। या खुदा, तू मुझे उठा ले और मेरी उम्र मेरी बेगम साहबा को दे दे। गहरे गहरे गहरे, आप इत्मीनान रखिए, आपके बीबी का इलाज हम कराएंगे, उनके दवाओं के लिए अशरफियां हम ही देंगे। क्या पागल, तुम लोग मुझे 250 अशरफियां दोगे? नहीं नहीं मेरे दोस्त, पहले ही तुम लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है, मैं और तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता। मेरे हमदम, मेरे गमखार, मेरे दोस्त, भूल जाइए उसे, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी हमें नहीं चाहिए, बल्कि मेरी तरफ से ये 100 अशरफियां। मगर तकल्लुफ मत कीजिए, जैसे आपके बच्चों की अम्मी ऐसे ही हमारी अम्मी, ये लीजिए हमारी तरफ से 100 अशरफियां। अरे मेरे दोस्त, खुदा तुम लोगों को लंबी उम्र दे, इज्जत दे, शोहरत दे। सुल्तान साहब। जी जी। इन दुकानदारों की तरह तो मेरी आमदनी नहीं, लेकिन मैं अपनी तनख्वाह में से कुछ न कुछ बचा ही लेता हूँ। ये 50 अशरफियां मेरी तरफ से कबूल करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कुतवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुंह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं,
लेकिन अर्ज यह है कि ये राज इस घर से बाहर न जाए, वरना बड़ी बदनामी होगी। लोग समझेंगे ये शेख कंगाल भूखा हो तबाह हो चुका है और लोग हंसेंगे मुझ पर। आप भी कमाल करते हैं, ये बात बाहर बताने के काबिल है क्या? जी जी। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। मैं क्या करूं? जी तो नहीं चाहता कि आप लोगों को अलविदा कहूं, लेकिन दुकानदारी का वक्त है। तशरीफ ले जाइए फिर, और कोतवाल साहब आपकी तो और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जरूर तशरीफ लाइएगा, फिर मैं मुंतजर रहूंगा आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अलविदा मेरे दोस्तों। खुदा हाफिज बेवकूफो, खुदा हाफिज। तुम अक्सर आओ, हमेशा आओ, बार बार आओ, कुछ न कुछ ले करके आओ और कुछ न कुछ मुझे दे करके जाओ। अरे नालायको, अरे बेवकूफो, अरे कहां गए तुम लोग? आओ आओ मेरे बच्चों, आओ आओ। संभल के बच्चों, मेरे संभल के बच्चों, मेरी जिंदगी से सीखो वरना तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। देखो मैंने एक दमड़ी खर्च नहीं की, सी जबान की उलट फेर से इतनी दौलत मेरे पास आ गई बच्चों। मैं सोच लिया अबू जान, अब हम आपको कमा कर दिखाएंगे वरना अपना मुंह काला कर लेंगे हम। आमीन। लेकिन बेटे ये ख्याल तुम्हें क्यों कर आया? हम लोग हिंदुस्तान जाकर तिजारत करेंगे। अच्छा, हाँ? सोने की चिड़िया कहलाता है वो मुल्क। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है, मगर अंडे की लालच में मुर्गी पर बुरी नियत मत करना वरना ये तो नए जूते पड़ेंगे कि तुम्हारी अम्मा भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगी। अबू जान, वहाँ 1,000 अशरफी के माल के बदले में 10,000 अशरफियाँ मिलती हैं। बहुत खूब। हाँ, इसलिए हम यहाँ से सामान खरीदेंगे और वहाँ ले जाकर बेच लेंगे। बहुत खूब। अबू, आप हमें सिर्फ 1,000 अशरफियाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बोला बे? ये जुमला बोलने से पहले ये जमीन फट क्यों नहीं गई और तुम उसमें समा क्यों नहीं गए? तुमने उम्मीद कैसे की कि मैं 3,000 अशरफियां तुम लोगों को दूंगा? अरे अब्बू हुजूर, आपने हमारी पूरी बात सुनी ही कहा है। बोलो। आपको सिर्फ 3,000 अशरफियां देनी है, उसके बदले में हम आपको 30,000 अशरफियां देंगे। लेकिन अगर तुमने नहीं दिया तो? आपको अपनी औलाद के ऊपर भरोसा नहीं है और एक अहमद भाई है जो गैर होकर भी हमें 3,000 अशरफियां देने को तैयार है और हम उस 3,000 अशरफियों के बदले में उनको 30,000 अशरफियां देंगे। भाइयों चलो, रुको, 3,000 का 30,000। अरे बच्चों, तुम लोग तो बड़े लायक हो। मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतजार करो बच्चों। चल गए ना। भाई हाँ, मेरा बाप एक नंबर कंजूस आदमी है। अरे वो हम लोग एक फुट कौड़ी नहीं देगा। भैया लोग ठीक ही कहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अरे ऐसा कंजूस बाप तो खुदा दुश्मन को भी ना दे। हम तो कह रहे थे कि आप जैसा दिलदार बाप खुदा सबको दे। अरे मेरा जैसा दिलदार बाप खुदा दुश्मन को भी दे। तुम लोग मेरी दिलदारी के चश्मदीद गवाह हो। लो बेटा ये लो। ये क्या है? ये बेटा 5,000 अशरफियां हैं। 5,000 अशरफियां? अरे बेहोश मत हो, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। हकीकत? हाँ। और बेटा हाँ। आज हमारी रहमत का दरवाजा खटा खुल गया। ये तुम भी 5,000 अशरफियां लो। भजन भजन। और बेटा बेटा आज हमारी रहमत की खिड़कियां भी खटखटाकट 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 खुल गई। खटखटाकट 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 खटखटाकट।
बच्चों, इस दौलत को लो और दूर सात समंदर पार जाओ और खूब तिजारत करो और खूब दौलत कमाओ। इतनी दौलत कमाओ कि हमारे हवेली की ये दीवारें जो हैं वो सोने चांदी की हो जाए और हमारे दस्तखान पर चावल की जगह मोतियां हो, सालन की जगह हीरे जवाहरात हो। दौलत जिंदाबाद, दौलत जिंदाबाद, दौलत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेट काट काट के जोड़ा है मर्दूद। अरे ले ले मेरी जान, ये सब ले ले, अपना क्या है, बाप का माल है, ले ले। कमबख्त, इसीलिए तो इतनी बेदर्दी से लुटा रहा है तू, मेरे सीने पर खंजर चला रहा। अब मुझसे देखा नहीं जाता, भागो यहाँ से, निकलो तुम लोग यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे 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 अरे, कौन है ये भिखारी? तेरा बाप। मेरा बाप और तू? हाँ तू, हो ही नहीं सकता। वो तो इतना कंजूस है कि अपनी चप्पल घिस जाने के डर से इतनी दूर आ ही नहीं सकता। मैं नंगे पांव आया हूँ, मैं अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई हुई दौलत को इन बाजारों औरतों पर लूटते हुए नहीं देख सकता। अरे ये तो कोई सनकी लगता है, पकड़ो इस पागल को और छीन लो सब कुछ इसका। अरे ये 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 मेरी कमाई हुई दौलत है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे मत छोड़ना, कस के पकड़े रहना। क्यों बे मोटे, तू मेरा बाप है? हाँ मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तुझे दौलत दी थी तिजारत करने के लिए, लेकिन तू यहाँ याशियों पर उड़ा रहा है। अरे मैं तुझे बेदखल कर दूंगा, मेरी जायदाद से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सुनो, ये भिखारी और मेरा बाप। चुप, मैं तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ, जाके मोहल्ले वालों से पूछ। अच्छा हाँ, तू मेरा बाप हाँ। है तो फिर तूने मुझे मारा, तूने अपने बाप को मारा। हाँ मारा, बहुत दिनों की तमन्ना थी, आज वो भी पूरी हो गई। ताहिर, 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 मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने अपने बाप पर हाथ उठाया है, मैं दुनिया को दिखला दूंगा और ऐसा सबक तुझे दूंगा कि दुनिया के लिए वो इब्रत होगी। जीत गया, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। पीना हराम है, ना पिलाना हराम है, पीना हराम है, ना पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। अब सब कुछ तो हार चुके बरखुरदार, अब अपने वालिदे बुजुर्गवार को क्या जवाब दोगे? अरे उस मोटे कंजूस बुड्ढे को क्या जवाब देना है, वो तो कब्र में पैर लटकाए बैठा है, कभी भी फुर से उड़ जाएगा। इसीलिए मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ, क्या मेरे खुदा, हमारे अब्बा कितने शरीफ और नेक आदमी हैं, और सुना है कि तू नेक और शरीफ आदमियों को जल्दी अपने पास बुला लेता है, तो इतनी देर क्यों लगा रहा है हमारे अब्बू को अपने पास बुलाने के लिए? ऐ मेरे खुदा, हमारे अब्बू को अपने पास जल्दी बुला ले, हमारे अब्बू को जल्दी अपने पास बुला ले। तुम मेरी मौत की दुआएं जा रही हैं, मेरी मौत की दुआएं मांगे जा रही हैं। नहीं छोड़ूंगा, अरे तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बताइए नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जी तो ये आप हैं और तू कह रहा था अब्बा, कि अब्बा जान कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं और अब्बा जान मरते क्यों नहीं, मरते क्यों नहीं?
तू दुआ मांग रहा था, तू कह रहा था कि या अल्लाह तू अपने नेक बंदों को ऊपर जल्दी से बुला लेता है, लेकिन अब्बा के बुलाने में क्यों देर लगी खाजा, अब्बा को बुलाने में क्यों देर लगी खाजा, अब्बा के बुलाने में क्यों। अरे मैं तुम दोनों से, तुम तीनों से एक एक अशरफी का हिसाब मांगूंगा। लेकिन अब्बा कौन सी अशरफी? अबे वही अशरफी जो तू घुंघरों के ताल पर दिना दिन तक लुटा रहा था, उस अशरफी। और तुम जुए में मेरी कमाई हुई दौलत को दांव पर लगा रहे थे, और तू शराब पी रहा था और कह रहा था कि जी पीना हराम है न पिलाना हराम है और पीने के बाद होश भी आना हराम है। अबे उल्लू के पट्ठो, ऐसी बड़ी कव्वालियों की मैंने ऐसी की तैसी कर दी है भाई जान। हाँ। लगता है अब्बा जान का दिमाग हिल गया। अबे मेरा कुछ नहीं रहा है, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। मेरी अशर्फियां वापस करो, मेरी अशर्फियां वापस करो, वापस कर जल्दी। भाग गए, ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने बहार। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि एक साथ इतने शर्फे मत मांगो बाबा, मत मांगो, नहीं तो पगला जाएगा। हुई ना वही बात, अभी कहीं पीछे से ना आ जाए। चलो अभी भाई। हाँ। कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं? अब तो कोई दूसरा तरीका ही अपनाते हैं। ऐ मलके जहान, मेरे जीने का सहारा, तू सूरज की रोशनी से ज्यादा सुनहरी है, चांद की किरणों से ज्यादा खूबसूरत है। हाय अल्लाह, हाय, तेरे बगैर एक लम्हा करार नहीं, तेरे सिवा मुझे किसी से प्यार नहीं। हाय अल्लाह, अभी तो इन्होंने दूध भी नहीं पिया। हाय, सोते जागते हर पल मैं तेरे पास रहता हूं मेरी जान, मुझे छोड़ के मत जाना, कभी मत जाना, वरना ये आशिक दीवाना हो जाएगा। हाय अल्लाह, ये दौलत तो मेरी सौतन बन चुकी है, आज मेरी बिस्तर तक पहुंच गई। ठीक है, तो अब रहो और सोना इसी के साथ। ऐ बेवकूफ नादान गुमराह औरत, तू न भी कहती तो मैं इसी के साथ सोता। इतना वक्त आ गई। मुंह रख के सो गए हम मुनातशी रुखसारों पर, दिल को था चैन, नींद आ गई अंगारों पर। Thank you.
की हो रहा मुझे इतना न सताओ। तुम कहाँ छोड़ के मत जाओ, इधर अपना हाथ मेरे हाथ में लाओ। मेरी जान तुम्हारी फूलों जैसी नाजुक उंगलियाँ लोहे की तरह कैसे हो गई है जान। तुम लोग इस वक्त जहाँ तो हम ऐसे बस चोरी चोरी तुम लोग चोरी करने आए हो, बरसों की कमाई हुई मेरी तुम पर डाका डालने आए हो। नहीं नहीं वो तो हम चोरी नहीं। बेगम बेगम इधर आओ, देखो बेगम देखो मैं लूट रहा हूँ, मैं लूट रहा हूँ। क्या बात है, क्या हुआ? ये मर्दूत अपने ही घर पर डाका डाल रहे हैं। बेगम नहीं नहीं अम्मी, हम डाका नहीं डाल रहे थे, हम तो अपना हिस्सा ले रहे थे। कैसा हिस्सा, कहाँ का हिस्सा? ये एक एक दिन का मैंने तुम लोग में बांटने के लिए नहीं इकट्ठा किया था। जाने भी दीजिए, बच्चे हैं, ना समझ है। ना समझ नहीं है, अगर ऐसे ना समझ दो पैदा हो गए तो ये सारा शहर दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। अगर तुम लोग अभी निकल जाओ वरना मैं शहर को द्वार को बुला के तुम लोगों के हाथों में हथकड़ियां लगवा दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं, ये हमारी औलाद है। औलाद नहीं है ये, जल्लाद है। अरे वो तो मेरी जान लटकी रहती है इन अशर्फियों पर, वरना आज ये मुझे कंगाल करके चले जाते। जाने भी दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए, माफ कर दीजिए इन्हें। हरगिज़ नहीं। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, माफी मांगो अपने अब्बा से। माफी और इनसे? हम मुझे माफी कोई जरूरत नहीं, निकालो मेरी जबान, मेरी दौलत को निकालो। निकल जाओ मर्दूत। चले गए मर्दूत, बहुत अच्छा हुआ। मलके जहान मेरे जीने का सहारा, दुनिया वाले तो क्या अब अपने भी मुझे तुझसे अलग करने पर तुले हुए हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का सहारा मैं तुझे अपने सीने से लगा के रखूंगा, अपने पलकों पर बैठा के रखूंगा। मैं तुझे अपने से अलग नहीं होने दूंगा, मैं तुझे ऐसी जगह छुपा के रखूंगा जहाँ बेटे तो क्या मेरी बीवी भी तुम तक नहीं पहुँच पाएगी। है मेरी जिंदगी, मेरे जीने का सहारा, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊँगा, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊँगा। तू यहाँ आराम से पड़ी रह, मेरी मलके जहान, मेरे जीने का सहारा। अब न तुझे कोई खतरा है और न मुझे कोई डर। उस रोज मिट्टी मैंने अपनी दौलत पे नहीं अपनी किस्मत पे डाली थी। अगर वो दौलत गरीबों और मोहताजों के काम आती तो आज मेरा ये हाल न होता। सबको जमीन में दफन करके मैं बेफिक्र हो गया। कुछ दिनों बाद
मैं अपने दोस्तों के साथ तिजारत में निकल गया और जब रात बहुत ज्यादा हो गई तो एक जगह पड़ाव डाल दिया। बिस्मिल्लाह। बाबा हमें भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। जरूर बेटा। हमें भूख लगी, हमें खाना खाना है। रो मत बेटा, रो मत मेरी बेटी, खुदा कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेगा। तुम यहीं ठहरो, मैं खाना लेकर आता हूँ। अरे जरा ठहरिए सुल्तान साहब, हम साथ में ही खाते हैं। जी नहीं, मुझे आप लोगों के साथ खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप लोगों की होशियारी मैं खूब समझता हूँ। आप घटिया खाना खिला देंगे और मेरा सारा अच्छा अच्छा खा जाएंगे, यही ना? अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो बाबा। ये कौन साहब टपक पड़े भाई, जब भी कोई अच्छा काम करने जाता हूँ कोई ना कोई मुफ्त खोर टपक पड़ता है। फरमाइए। आपका बड़ा एहसान होगा जो आप हम भूखों को खाना खिला देंगे। आई? हम क्या मतलब, आपके साथ कुछ और लोग भी हैं क्या? जी हाँ, मैं और मेरे बच्चे। बहुत तकल्लुफ से काम लिया आपने, सारे मोहल्ले वालों को क्यों नहीं लेकर आया है? इतना बेवकूफ मैं आपको नजर आता हूँ कि सारा खाना आपको दे दूँ और मैं खुद भूखा मरूँ है? खुदा आपका भला करेगा। हाँ, खुदा तो करता ही है, खुदा तो करता ही है, लेकिन आप कहाँ से आ गए? अब जाइए जाइए, बहुत सारे बेवकूफ है उनसे मांगिए। ठीक है। ठहरो बाबा। बाबा हमारा खाना ले जाइए। भाई साहब लो बाबा, ले लीजिए ये खाना, ले जाइए और अपने बीवी बच्चों को खिलाइए, जाइए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, खुदा आपको इसका इनाम जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। बना गया ना बेवकूफ आप लोगों को। अब भूखे सोइए, खबरदार जो मेरे फलों की तरफ आप लोगों ने नजर उठाकर देखा, समझ गए आप? हैं, अब सोइए। लगता है कोई नीचे कारवां ठहरा हुआ है, चलो। खबरदार कोई भागने की कोशिश ना करे वरना जान से जाएगा। जिसके पास जितना माल हो हमारे हवाले कर दो। भाई साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, भीख मांगता हुआ रास्ता भूल के इधर आ गया। अगर आप लोगों के पास कुछ हो तो दे दीजिए, अल्लाह आप लोगों का बड़ा भला करेगा साहब। तूने बहुत बेवकूफ बनाया। मेरी मलिका है जहान, मेरे जीने का सहारा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। फिर उन्होंने हमें कत्ल करके इन कब्रों में दफन कर दिया। उस वक्त से रोज रात को हम अपने कब्रों से निकलते हैं। इन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, दूसरों की मदद की है, इसलिए इनके सामने ये लजीज खाना आता है। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए खाने की जगह ये कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू, और पीने के लिए हमें खून का प्याला मिलता है। काश काश मैंने वो किया होता जो आज मेरे काम आता। इस अजाब से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है क्या? है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि
मैं बहुत मजबूर हूँ। आप मजबूर हैं, पर हम तो मजबूर नहीं हैं। हमें वो तरीका बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस अजाब से निजात दिला सकें। मेरी हवेली के पीछे एक खुजूर का दरख्त है, उसके दाहिने हाथ मेरी सारी दौलत दफन है, जिसका इल्म मेरी बीवी को भी नहीं है, मेरे बच्चों को भी नहीं है। नौजवान, उस दौलत को ले जा करके मेरी बीवी बच्चों को दे दो और कह दो कि वो दौलत मोहताजों में, गरीबों में, अपाहिजों में, यतीमों में तकसीम कर दे, ताकि मेरी रूह को सुकून पहुंचे, मुझे इस अजियत से निजात मिल सके। आप इत्मीनान रखिए शेख सुल्तान, हम अभी जाके आपके तीनों बेटों से मिलते हैं। आपका घर किस शहर में है? शहर ताऊस में है। शहर ताऊस? यही शेख सुल्तान जी का घर है। कौन है भाई, अंदर आओ। तुम लोग और यहां, ये तो घर तक आ गया। क्या है, क्या है भाई, तुम यहां क्यों आए हो? हम यहां आए तो किसी और मकसद से हैं, मगर पहले हमें ये बताओ कि शेख सुल्तान साहब का घर यही है? हाँ हाँ यही है। और तुम लोग? हम उनके बेटे हैं। तो तुम लोग ही तिजारत के लिए हिंदुस्तान जाना चाहते थे? हाँ, जाना तो चाहते थे, मगर आपको कैसे मालूम? हम तो ये भी जानते हैं कि तिजारत के लिए तुम अपने अब्बा से अशर्फियां चाहते थे, मगर तुम्हें लाठी की मार मिली। ये तो कोई जादूगर लगता है, सब जानता है। हम कोई जादूगर नहीं, हम शहजादे यमन हातिम बिन ताई। हातिम बिन ताई? गलत आदमी पर हाथ डाल दिया था भाई, अब खैर नहीं। घबराओ मत, हम तुमसे अपनी कोई भी चीज वापस नहीं लेंगे। कुछ भी वापस नहीं लोगे? नहीं, मगर इतना जरूर कहेंगे कि जो रास्ता तुम लोगों ने अपनाया है वो तुम्हें दीन और दुनिया दोनों से बहुत दूर ले जाएगा। ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया है इन्होंने जो इन्हें दीन और दुनिया से दूर ले जाएगा? बेटा कुछ हमें भी तो बताओ। अम्मी जान, आप यहाँ क्यों चली आई? आपकी तबीयत खराब है। मैं पूछती हूँ कौन सा रास्ता अपनाया है तुम लोगों ने जो इनकी नजर में बुरा है? हमारी ही नजर में नहीं बुजुर्ग खातून, आपके बेटों ने वो काम किया है जो खुद खुदा की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह? खुल कर कहो बेटा, क्या गुनाह कर रहे हैं ये लोग? आपके बेटे जंगल में मासूम मुसाफिरों को लूटकर उनकी दौलत हासिल करते हैं। नहीं 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 बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरे बेटे तो तिजारत करते हैं। बोलो बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बोलो, बताओ अपनी अम्मी जान को, तुम तिजारत करते हो या मासूम मुसाफिरों से उनका मालो असबाब लूट लेते हो? अम्मी जान, अम्मी जान, हम यह काम खुशी से थोड़ी करते हैं। यानी कि वाकई तुम लोग लूट मार करते हो? और क्या करते हैं अम्मी जान, इस घर को चलाने के लिए और आपका इलाज कराने के लिए अशरफियां कहां थी हमारे पास अम्मी जान? और आप तो जानती हैं अम्मी जान, हमारा बाप जब तक जिंदा रहा दौलत पर सांप बनकर बैठा रहा, और जब गया तो सब कुछ समेट कर ले गया,
अम्मी जान, हमने किस किस के आगे हाथ नहीं फैलाया, किस किस से तजारत के लिए कर्ज नहीं मांगा, मगर हर एक ने यही जवाब दिया कि तुम्हारे बाप ने कभी किसी की मदद की थी। जो हम तुम्हारी मदद करें, मजबूर होकर हमें ये चोरी और डाके जैसा कदम उठाना पड़ा अम्मी जान, ताकि आपका अच्छे से अच्छा इलाज करा सके। तो लानत है ऐसे इलाज पर जो चोरी और डाके की अशर्फियों से किया जाए। इससे तो अच्छा था तुम लोग मुझे जहर दे देते। ऐसा मत कही अम्मी जान। क्यों ना कहूं, क्या किया है तुम लोगों ने मेरे लिए? एक तुम्हारा बाप था जिसने दौलत की खातिर अपने बीवी बच्चों तक का ख्याल नहीं किया, एक तुम लोग हो जो अपने बाप से भी चार कदम आगे बढ़ गए हो। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा बाप तो सिर्फ ठग था, लेकिन तुम लोग तो डाकू लुटेरे बन गए हो। जिस तरह उसने एक बार जाकर अपना मुंह नहीं दिखाया है, तुम लोग भी निकल जाओ। अम्मी जान, अम्मी जान, ऐसा मत कहिए अम्मी जान, खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान, मगर अपना साया हमारे सर पर रखिए अम्मी जान। अम्मी जान, अम्मी जान, हम तौबा करते हैं अम्मी जान, अब कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी डाका नहीं डालेंगे अम्मी जान। हाँ अम्मी जान, हम मेहनत मजदूरी करके अपने गुनाहों को धो डालेंगे अम्मी जान। आपके सर की कसम अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान, माफ कर दीजिए अम्मी जान। सच्चे दिल से तौबा करने पर खुदा भी माफ कर देता है वो सब खातून, आप इन्हें माफ कर दीजिए। हमें यकीन है कि अब ये कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगे। हाँ शहजादे, हम आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करेंगे और आपकी एक एक चीज लौटा देंगे शहजादे। हमारी चीजों की फिक्र मत कीजिए, मगर क्या आप लोग जानते हैं कि आपके अब्बा ने दोबारा आप लोगों को अपना मुंह क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उन्हें अपनी बीवी और बच्चों की परवाह ही नहीं है। नहीं, इसलिए कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, खुदा उन्हें मेरी भी उम्र दे दे। हमें अफसोस है कि आपकी दुआ उनके काम नहीं आ सकेगी। सफर में लुटेरों ने उन्हें और उनके साथियों को खून कर दिया है। या खुदा, ए परवरदिगार, ये मैं क्या सुन रही हूँ? उनकी जगह तूने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, शहजादे, क्या तुम ये सच कह रहे हो कि हमारे अब्बा हुजूर अब जिंदा नहीं रहे? वो जिंदा तो नहीं है, मगर बहुत तकलीफ में है। क्या वो जिंदा नहीं है और तकलीफ में भी? ये क्या पहेली है शहजादे? ये पहेली नहीं, हकीकत है दोस्तों। हम समझते हैं कि ये जिंदगी ही असली जिंदगी है, मगर ये जिंदगी तो मिट जाने वाली जिंदगी है। असली जिंदगी तो वो है जो मरने के बाद शुरू होगी। हम लोग इस दुनिया में जो कुछ भी बोएंगे वो उस दुनिया में काटेंगे। शेख सुल्तान ने इस दुनिया में एक एक अशरफी को अपने दांत से पकड़ा था, कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, कभी किसी के दुख में शरीफ नहीं होते। इसलिए आज वो ऐसे अजाब में गिरफ्तार है कि जो हम लोगों के लिए एक इबरत है। तुम्हें कैसे मालूम कि हमारे अब्बा हजूर पर अजाब नाजिल हो रहा है? तुम लोग हमें बेहोश करके जिस जगह डाल गए थे, जब हमें होश आया तो रात हो चुकी थी। अचानक हमने देखा अफसोस, मैंने वो नहीं किया जो आज मेरे काम आता। अल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलिए बिस्मिल्लाह की। बिस्मिल्लाह। सांप, बिच्छू,
प्यास से मेरा हलक सूख के काटा हो रहा है। खून, खून। मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। शेख सुल्तान, बोलो नौजवान, आखिर ये माजरा क्या है? आपके दोस्तों के आगे लजीज खाना और आपके सामने ये कीड़े मकोड़े? यही तो मेरी बदकिस्मती है नौजवान। क्या हम इस बदकिस्मती की वजह जान सकते हैं? वो आज तक यही कहते हैं कि मैंने जिंदगी में वो न किया जो मेरे काम आता। हम करेंगे वो जो हमारे अब्बा हजूर के काम आ सके। शहजादे। हाँ शहजादे, हम वादा करते हैं कि अब्बा हजूर की सारी दौलत जमीन से निकाल कर गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर देंगे। जाओ बच्चों जाओ, जल्दी जाकर ये नेक काम करो और अपने अब्बा हुजूर को अजाब से छुटकारा दिलाओ। ठीक है अम्मी जान। ठहरो। आदमी की दौलत पे उसके बीवी बच्चों का भी हक होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि वो अपनी बीवी बच्चों को भूखा रख के अपनी सारी दौलत गरीबों में तकसीम करता फिरे। अगर तुम लोग अपनी सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दोगे तो तुम लोग क्या करोगे? हम ये जरूरी नहीं कि तुम लोग अपने बाबा की सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दो, इसलिए इसके तीन हिस्से कर लो। उसमें से दो खुद के लिए रख लो और एक खैरात कर दो। मगर यही असली होगी और यही तुम लोगों के लिए इंसाफ भी होगा। ठीक है शहजादे, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। आतिम, मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। या अल्लाह, मेरे लिए भी इतना अच्छा खाना, मेरे लिए भी इतना अच्छा खाना। दोस्तों, आप सबके साथ मिलकर खाने में कितना लुत्फ आ रहा है। काश मैंने जिंदगी में भी लोगों के साथ इसी तरह मिल बैठ के खाना खाया होता। कुदरत का करिश्मा है। तुम्हारे अब्बा हुजूर के ऊपर से अजाब हट गया। हाँ शहजादे, हाँ, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ शहजादे। तुम्हारी वजह से हुआ शहजादे? ये हमारी वजह से नहीं, ये तो खुदा के हुक्म से हुआ है। वरना हमारी क्या मजाल कि हम मुर्दा इंसान की रूह को देख सके और उसका हाल जान सके। ये तो जिंदा इंसानों को सबक सिखाने के लिए खुदा ने हमें जरिया बनाया है। मगर शहजादे, हमारे अब्बा हुजूर के बदन पर कपड़े तो फटे पुराने ही हैं, ऐसा क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि तुम्हारे अब्बा हुजूर ने जीते जी वो सब कुछ नहीं किया जो मरने के बाद तुम लोगों ने उनके लिए किया। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो जीते जी ही लोगों की मदद करे और दूसरों के काम आए, ताकि वही नेकी मरने के बाद उसे काम आ सके। हम जब तक जिंदा रहेंगे शहजादे यमन, वादा करते हैं हमेशा दूसरों के काम आते रहेंगे। खुदा तुम्हें और हर इंसान को ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। आमीन।
पाकबाज, वाकई हातिम इंसान नहीं, फरिश्ता है फरिश्ता। हाँ जानपरी, एक मुकम्मल इंसान में जितनी खूबियां होनी चाहिए वो सब के सब हातिम में मौजूद है। तभी तो नीलम परी, हमारे दिल में उसे देखने की तमन्ना जाग उठी है। क्या हम हातिम को देखना चाहते नीलम परी? क्या गजब करती हैं आप शहजादी, अगर मलिका आलिया ने सुन लिया तो वो आसमान सर पर उठा लेंगी। वो किसी भी कीमत पर ये गवारा नहीं करेंगी कि उनकी जानशीन किसी आदमजात से मिलने की तमन्ना करे। अब जाइए, आराम कीजिए, हम कल सुबह बात करेंगे। नहीं, कल नहीं, हमें हातिम के बारे में और भी कुछ सुनना है। हमें बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन हमें नींद आ रही है शहजादी। तो हम भी यही सो जाएंगे? नहीं, अगर मलिका आलिया को मालूम पड़ेगा कि हमने आपको किसी इंसान के बारे में बताया है तो वो बहुत नाराज होंगी। उनकी तो आदत है किसी से भी नाराज होने की। तुम ठीक कह रही हो चांद, वाकई हमें हर किसी से नाराज होने की आदत है। मलिका आलिया, शहजादी की किसी भी बात का ख्याल मत कीजिएगा, ये तो नादान है। ख्याल शहजादी का नहीं नीलम, ख्याल तो अब तुम्हारा करना पड़ेगा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। नीलम, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हम तुम्हें इस परिस्तान की वजीर ही नहीं बल्कि अपनी प्यारी सहेली समझते हैं। ये आपकी मोहब्बत है मलिका आलिया। जब भी इस परिस्तान में कोई मसला पेश आया है तो हमने सिर्फ तुमसे मशवरा लिया है। ये मेरी इज्जत अफजाई है। हमने अपनी जानशी चांद को भी हमेशा तुम्हारी ही निगरानी में रखा है। ये मेरे लिए फख्र की बात है। हमने अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा किया है, सिर्फ तुम पर। खुदा गवाह है मलिका आलिया, हमने हमेशा आपके भरोसे की इज्जत रखी है। हमें मालूम है नीलम, हमें सब मालूम है, और इसी का तो हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तुमने इस परिस्तान की और यहाँ की परियों की बहुत खदमत की है, और इसके बदले में इस परिस्तान के नीचे जो छठा आसमान है हम तुम्हें वहां की हुकूमत सौंपते हैं। जी, हम तुम्हें छठे आसमान की मालिका बनाते हैं। मुबारक हो नीलम कि आज से तुम छठे आसमान की मालिका कहलाओगी। हमें उम्मीद है कि तुम वहां भी परिस्तान के उसूलों की निगहबानी करोगी। एक आसमान नीचे उतारने के बावजूद आपने इस नाचीज को बहुत ऊंचा बना दिया है मलिका आलिया। मैं आपकी इस नवाजिश के लिए हमेशा हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मगर नीलम, हम तुम्हारे बगैर इस परिस्तान में नहीं रह सकते। नहीं चांद, अपनी मोहब्बत की जंजीरों से इसकी तरक्की को मत बांधो कि जो इनाम हमने इसे दिया है वो तो इससे भी ज्यादा की हकदार है। आपका ये करम ही मेरे लिए बहुत है मलिका आलिया। हमें तुमसे यही उम्मीद थी नीलम। जुल्म है, ये सरासर ज्यादती है नीलम। मलिका आलिया ने तुम्हें इनाम नहीं सजा दी है, सजा परिस्तान से चले जाने की सजा। मैं जानती हूँ, फिर भी तुमने हंसते हंसते सजा कबूल कर ली। मलिका आलिया का हुक्म मेरे लिए ईमान का दर्जा रखता है शहजादी। मगर ये तो सोचो, तुम वहां अकेली किस तरह रह सकोगी? जैसे दूसरे रह रहे हैं। और हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? क्यों, क्या कमी है इस हसीन परिस्तान में? सब कुछ तो है, और सबसे बढ़कर यहाँ मलिका आलिया है। मगर तुम नहीं हो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। हम अभी मलिका आलिया के पास जाकर इल्तिजा करेंगे। नहीं शहजादी, नहीं,
मलिका यालिया के इनाम की इज्जत रखनी है मुझे। किस दिल से तुम्हें अलविदा कहें नीलम। शहजादी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर पत्थर रखकर करनी पड़ती हैं। मैं भी वही कर रही हूं, तुम भी वही करो।